लखनऊ से आई हैं, कहाँ आई हैं आप? बनारस। बनारस में मतलब यहाँ दर्शन करने के लिए आई हैं या घूमने के लिए? दर्शन करने के लिए। किनका दर्शन किए हैं आप? काल भैरव का किया है, काशी विश्वनाथ का। किसी ने कहा है कि अपने मन से आई हैं आप? अपने मन से आए। अच्छा, आपको ये पता है कि काल भैरव बाबा का दर्शन करने से सुख समृद्धि प्राप्त होती है? हाँ। किसने कहा है? पता है भैया। आपको कैसे पता होगा, किसी ने तो बताया होगा या मोबाइल में देख से? लखनऊ से आई हैं, कहाँ आई हैं आप? बनारस। बनारस में मतलब यहाँ दर्शन करने के लिए आई हैं या घूमने के लिए? दर्शन करने के लिए। किनका दर्शन किए हैं आप? काल भैरव का किया है, काशी विश्वनाथ का। किसी ने कहा है कि अपने मन से आई हैं आप? अपने मन से आए। अच्छा, आपको ये पता है कि काल भैरव बाबा का दर्शन करने से सुख समृद्धि प्राप्त होती है? हाँ। किसने कहा है? पता है भैया। आपको कैसे पता होगा, किसी ने तो बताया होगा या मोबाइल में देख। भैरव बाबा के मंदिर के बाहर में खड़ा हूँ, आपने वाराणसी का मशहूर साड़ी देखा होगा, आपने वाराणसी का पान अभी तक बहुत कम ही वीडियो देखने को मिले होगी चैनल पे। और एक चाचा जी हैं, इनसे हम बात करते हैं वाराणसी का पान, क्या है वाराणसी के पान में, क्या खासियत है? और अमिताभ बच्चन ने भी गाना गाया था कि खाई के पान बनारस वाला। और चाचा जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए। हमारे नाम लालजी चौरसिया है, ये खाई के पान बनारस वाले है, ये लिखा है बोर्ड है, ये हमारा नाम चौरसिया है, लालजी चौरसिया मेरा नाम है, ये ब्रांड यह है। आपने ये जो डायलॉग लगाया है अमिताभ बच्चन के गाने से ये मिलता जुलता है, खाई के पान बनारस वाला, आपने गाना भी सुना होगा, लिख तो दिया खाई के पान बनारस वाला, क्या आपको ये गाना आता है क्या? नहीं, गाना तो नहीं आता, सुनते गुनगुनाते हैं। तो खाएगा वही जानेगा, मुंह में जाएगा तभी बोलेगा बनारसी है कि ठाट है। जैसे इन्होंने बताया कि मुंह में जाएगा तभी पता चलेगा कि बनारसी है। कैसे समझ में आएगा, मुंह में लोगे तभी समझ में आएगा, मुंह में स्वाद बताएगा तभी कहोगे बढ़िया है बनारसी है कि ठग है। मुंह में लेने के बाद मतलब उसका स्वाद समझ में आएगा, कैसा लगा, मुंह में लेने के बाद तभी बोलेगा कि कैसा लगा, ऐसा कैसे बता दो? ये पान ऐसा चीज ही है कि मुंह में खाने के बाद या मुंह में लेने के बाद। टेस्ट की बात करते हो? हाँ, तो बनारसी का है, चल तो उसको बोलो कि मीठा खाया या तम्बाकू खाया, खाने के बाद मजा आना चाहिए। हाँ, चलिए कुछ और दुकानदार लोग हैं, देखिए अब एक बात का अगर हम कमेंट करेंगे तो बहुत सी बातें आ जाएंगे निकल करके, लेकिन हमको उन बातों पे नहीं जाना, ये न्यूज चैनल है, यहाँ पे किसी भी तरह की अभद्र टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। और बेहद अच्छा लगा, इधर आप देख सकते हैं माताएं बहने काल भैरव बाबा का दर्शन करने के लिए जा रही हैं, यह बेहद खुशी का नज़ारा है। इधर भैया लोग अपना ठेली लगा करके व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, इधर एक भैया भी हैं अपना बिजनेस कर रहे हैं, माला बेच रहे हैं, जो कॉस्मेटिक सामानों का जो यहाँ पे बिक्री हो रही है। इधर हमारी बहनें जा रही हैं, दर्शन करेंगी, बहुत अच्छा लगेगा। इधर यहाँ पे पूजा की जो सामग्री है बेचने का कार्य किया जा रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। क्या स्थिति है भाई इस समय? एकदम बढ़िया स्थिति है, भीड़ भयंकर हो रही है। इस समय मोदी जी का दिन है, बस मोदी जब से आ गए काल भैरव के पास तब से भीड़ ऑटोमेटिक बढ़ गई है। आप मोदी जी का नाम ले लिए भाई, आते ही आते मैंने चढ़ाया बढ़ाया तो नहीं ना आपको? ऐसा बात नहीं है सर, अखिलेश जी मोदी जी के आने के बाद आए हुए थे, उससे यही पता चलता है कि मोदी जी के आने से जो लोग हैं बहुत ज़्यादा आकर्षित हैं काल भैरव मंदिर से। काल भैरव मंदिर पे लोग कहते हैं कि जब बनारस में रहना है तो काल भैरव बाबा का दर्शन करना है, तभी सुखी आप रहेंगे, ऐसा कहना है जी। काशी का कोतवाल बोला जाता है बाबा काल भैरव को, इनके बिना कुछ चलने वाला नहीं है। काशी आएंगे उसको जब्त कर देंगे, जब्त कर देंगे जब इच्छा तब। बहुत अच्छा लगा, इधर ठेली लगा के और लोग व्यापार कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। इधर हमारी माताएं हैं और जो लगता है कि मंदिर को दर्शन करेंगे। इधर और भी हमारी बहनें हैं, प्यारी प्यारी बहनें हैं, इधर दीदी हैं, थक चुकी हैं काल भैरव बाबा का दर्शन करने के बाद, देखिए इनकी थकान हो चुकी है। दीदी कहाँ से आई हैं आप? लखनऊ से। लखनऊ से आई हैं, कहाँ आई हैं आप? बनारस। बनारस में मतलब यहाँ दर्शन करने के लिए आई हैं या घूमने के लिए? दर्शन करने के लिए। किनका दर्शन किए हैं आप? काल भैरव का किया है, काशी विश्वनाथ का। किसी ने कहा है कि अपने मन से आई हैं आप? अपने मन से आए। अच्छा, आपको ये पता है कि काल भैरव बाबा का दर्शन करने से सुख समृद्धि प्राप्त होती है? हाँ। किसने कहा है? पता है भैया। आपको कैसे पता होगा, किसी ने तो बताया होगा या मोबाइल में देखी होगी? मैंने बताया पीछे। ये भैया ने बता दिया, क्या बताया भैया आपने? अरे भाई, हर दर्द पे जाने से दर्शन में सारी मुरादें पूरी होती हैं,
ये तो भाई काशी विश्वनाथ बाबा जी की नगरी है, तो वहाँ दर्शन करने हम लोग आए हैं। सारे दर्शन करने के बाद काल भैरव बाबा जी के भी दर्शन किए हैं। कभी आपने सुख अनुभूति की है अपने जीवन में? हमने हर जगह गए, हर तीर्थ पे सुख की अनुभूति हमेशा करते आ रहे हैं। भैया आप कहाँ से आए हैं? हम भी साथ में ही हैं। इन्होंने ही बताया है क्या आपको? नहीं, ये तो पता, हम तीसरी बार आए हैं। अच्छा अच्छा, तीसरी बार आए हैं। कभी आने के बाद सुख समृद्धि प्राप्त हुई आपको? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, तभी तीसरी बार आए हैं। सिस्टर आप कहाँ से हो, कहे में पढ़ती हो, आप क्या करती हो? अभी पढ़ाई कर रहे हैं, टेंथ में। टेंथ में यहाँ मंदिर पे आई है, कैसा लगा है? अच्छा लग रहा है। क्या अच्छा देखा आपने? देखिए हंस रही है, लगता है कि काल भैरव बाबा ने इनको ज्यादा आशीर्वाद दे दिया है। और क्या, बहुत ज्यादा मिला है। अच्छा, अभी अभी दुख में थी क्या कुछ देर पहले? नहीं, बाबा के नाम से ही सब है, तो दुख कैसा? बाबा के नगरी में आए तो दुख कैसा। बहुत अच्छा लगा, बहुत जवाब आपका अच्छा आया। इधर देखिए आंटी, आंटी चैनल पे कुछ बोलना चाहती हैं। आंटी कुछ चैनल पे बोलेंगी, लगता है काल भैरव बाबा इनको ज्यादा आशीर्वाद दे चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आंटी हमारे चैनल में। अच्छा अच्छा, कहाँ से आई हैं? वाराणसी। सुपर है। क्या सुपर है, क्या अच्छा है? सब अच्छा है यहाँ। क्या अच्छा देखा आपने? काल भैरव, फिर सब अच्छा है। अभी आज चाहिए हमें, इधर आज चाहिए, पूरा देखने का है। अच्छा, आप काल भैरव बाबा का दर्शन कई बार कर चुकी हैं अभी तक? फर्स्ट टाइम। ये फर्स्ट टाइम है? किसी ने बताया है आपको? हाँ बताया ना। क्या बताया? यहाँ का पवित्रता, फिर इनके मटर तो। कहाँ से आए आप? हम साउथ हैदराबाद से आए। हैदराबाद से। चलिए आप बाबा का दर्शन करिए, और मुझे भी आशा और उम्मीद है कि लोग काल भैरव बाबा का माता जी दर्शन करेंगी, सुख समृद्धि को प्राप्त करेंगी। अच्छा ये बताइए, आपको ये पता है कि नहीं कि वाराणसी में आदमी जब प्राणों को त्याग देता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है? हाँ बराबर है, पता है। ये तो पता है। हम देखिए जो बहुत बचपन से देख रही है, बचपन से ये बात सुन रही है। चले, बहुत अच्छा लगा आंटी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और भी भैया लोग हैं, और इधर भी बहुत से श्रद्धालु लगातार बाबा का दर्शन करने के लिए लोग जा रहे हैं।